तो गाइस आज का सवाल, आप लोग का गिल्ड का ग्लोरी कितना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा गिल्ड का ग्लोरी है 17 लाख के करीब। उसी तरीके से आपका गिल्ड का ग्लोरी कितना है आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना, ठीक है। तो गाइस अभी क्या करते हैं, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप लोग अपना गिल्ड का ग्लोरी बढ़ा सकते हो और क्यों आप लोग का गिल्ड का ग्लोरी नहीं बढ़ता। और आपका गिल्ड का ग्लोरी नहीं बढ़ता तो आपका लेवल भी गिल्ड का नहीं बढ़ता। यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का गिल्ड का ग्लोरी कितना है, 10 लाख 15 लाख के करीब, मतलब 1.5 मिलियन के करीब है। और साथ में हम लोग का गिल्ड का लेवल भी 4 है। और यहाँ पे आप लोग देखो मेरा गिल्ड में जितने ही बंदे अच्छे अच्छे ही बंदे, देखो ज्यादातर बंदे हीरोइक में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हीरोइक सारे के सारे ना हीरोइक में ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कैसे अपना गिल्ड का ग्लोरी बढ़ा सकते हो, एकदम ईजी प्रोसेस है, मैं बताऊंगा। और आपका गिल्ड का ग्लोरी क्यों नहीं बढ़ती, वो आपको क्यों नहीं करना चाहिए, मैं ये भी बताऊंगा। तो आपका क्या काम है, वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी स्किप किए बिना। तो गाइस देखो, सबसे पहला जो चीज़ है, आपका गिल्ड का ग्लोरी क्यों नहीं बढ़ती है, तो गाइस इसका सबसे मेन रीज़न है मैं बता दूँ। यहाँ पे अगर आप लोग जाओ क्लासिक में एंड अगर आप लोग कस्टम में जाओ, यहाँ पे देखो बहुत सारा कस्टम चल रहा है। मेरे पास अभी 11 कस्टम रूम कार्ड है। अगर आप लोग का गिल्ड में जितना भी प्लेयर है, अगर 45 का 45 प्लेयर है, 50 प्लेयर है, अगर सारे के सारे बंदे में से ज़्यादा बंदा पूरा दिन कस्टम खेलता है तो आपका गिल्ड का ग्लोरी एक भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि गाइस मैं बता दूँ, कस्टम खेलने से आपका ग्लोरी एक भी नहीं बढ़ता, 0 के 0 रहता है। आप लोग दिन में 1000 कस्टम खेल लो, 2000 कस्टम खेल लो, 3000 कस्टम खेल लो, 1 लाख कस्टम खेल लो, फिर भी आपका ग्लोरी 0 के 0 रहेगा, ठीक है। आपका गिल्ड का ग्लोरी नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपको अपना गिल्ड का लेवल बढ़ानी है तो अपना गिल्ड में ऐसे बंदे को रिक्रूट करना, ऐसा बंदे को लाना है जो लोग कस्टम कम खेले और साथ ही साथ वो लोग क्या खेले, रैंक, क्लासिक, क्लैश स्क्वाड, ये सब ज़्यादा मैच खेले। अभी कौन सा खेलने से कौन सा ज़्यादा ग्लोरी मिलता है मैं ये भी बताऊंगा वीडियो के लेटर पार्ट में, तो सबके सब देखते रहो। लेकिन अब कस्टम खेलना बंद करना होगा, मतलब कम से कम खेलना होगा ताकि आप लोग का गिल्ड का ग्लोरी बढ़े और आपका गिल्ड का भी ग्लोरी थोड़ा ऊपर जाए। तो बस अभी बात करते हैं गिल्ड का ग्लोरी बढ़ाने के लिए, ठीक है। गिल्ड का ग्लोरी बढ़ाने के लिए टोटल कौन सा चीज़ों की ज़रूरत है। तो गाइस गिल्ड का ग्लोरी 3 चीज़ों से बढ़ती है। एक होता है आपका गेम प्ले, दूसरा होता है टॉपअप एंड तीसरा होता है टूर्नामेंट, ठीक है। ये 3 चीज़ों से मेनली आपका गिल्ड का ग्लोरी बढ़ती है, आपका गिल्ड का ग्लोरी इंक्रीज होती है। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गेम प्ले से। तो कैसे मैं बता दूँ, आप लोग जैसे दिन में जितना भी गेम प्ले करते हो, ठीक है, लाइक क्लैश स्क्वाड खेल लिए, ठीक है, क्लैश स्क्वाड रैंक खेल लिए, क्लासिक खेल लिए, क्लासिक रैंक खेल लिए, ये आप लोग जितना ज़्यादा मैच खेलो, इसमें से जितना ज़्यादा मैच खेलोगे ये मैच, तो आपका ग्लोरी उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो कैसे बता दूँ, इसमें से कौन सा मैच खेलने पर आपको सबसे ज़्यादा ग्लोरी मिलता है, तो कैसे बता दूँ, सबसे ज़्यादा ग्लोरी मिलता है आपको क्लैश स्क्वाड रैंक और साथ ही साथ क्लासिक रैंक खेलने पर, ठीक है। तो ये दोनों अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेलोगे तो आपको आपका गिल्ड का ग्लोरी सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। और एक चीज़ फैक्टर करती है, अगर आप लोग समझो जितना आप लोग ज़्यादा देर तक सर्वाइव करोगे उतना ही ज़्यादा आपको ग्लोरी मिलेगा। लाइक मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, लाइक आप लोग कोई मैच में गए क्लासिक में, आप लोग टॉप 1 में आए, बुया किए, 3-4 किल किए, तो आपको 35 से 40 के करीब ग्लोरी मिलता है, ठीक है। 35 तक तो ग्लोरी मिल जाता है। अगर आप लोग उतरते ही मर गए तो आपको 1, 2, 5 इस तरीके से कम ग्लोरी मिलेगा। मतलब आप लोग क्लासिक रैंक या फिर क्लासिक क्लैश स्क्वाड रैंक में जितना ज़्यादा किल करोगे, जितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, आपको उस हिसाब से उतना ज़्यादा ग्लोरी मिलेगा। आप लोग का परफॉर्मेंस अगर डाउन होगा आपको ग्लोरी कम मिलेगा, अगर आपका परफॉर्मेंस अप होगा आपका ग्लोरी अप होगा। मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा गेम प्ले से, मेरा खुद का अपना पर्सनल ग्लोरी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 36K की ग्लोरी है, ठीक है। 36 का ग्लोरी खुद मेरा अपना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग भी गेम प्ले के मदद से आप अपना ग्लोरी को बढ़ा सकते हो। ये हो गया हम लोग की पहले तरीका। लेकिन कैसे बता दूँ, आप लोग जितना भी दिन में जितना भी गेम प्ले कर लो, आपको हाईएस्ट 80 ग्लोरी मिलता है, मतलब 80 से ज़्यादा ग्लोरी नहीं मिलता, ठीक है। अब इसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, टॉप अप करना होगा। आप लोग अगर टॉप अप करते हो फ्री फायर में तो आपको 10 डायमंड अगर टॉप अप करते हो तो आपको 1 ग्लोरी मिलता है, आप सिर्फ आपके अकेले का। अगर आपको समझो आपका गिल्ड में 50 बंदे 500 डायमंड टॉप अप करते हैं, ठीक है, मतलब सब मिलकर पर डे 500 डायमंड का टॉप अप करते हैं तो उस टोटल ग्लोरी आपको कितने मिलेगा, 50 मिलेगा, मतलब 10 में से एक इस तरीके से। इसलिए आप लोग देखना बॉस गिल्ड, लोकेश गेमर, जो बड़ा बड़ा गिल्ड है उन लोगों का ग्लोरी इतना हाई होता है क्योंकि उन लोग लाखों के ऊपर करोड़ों के ऊपर टॉप अप करते हैं, क्योंकि उन लोग हर एक दिन टॉप अप करते हैं, लाखों करोड़ों टॉप अप करते हैं, इसलिए उन लोगों का ग्लोरी टॉप पे रहता है। इसी तरीके से आप लोग भी अपना ग्लोरी बढ़ा सकते हो
आपको थोड़ा टॉप टॉपअप करना होगा। अभी आपको फ्री में डायमंड चाहिए, टॉपअप करने के लिए डायमंड चाहिए, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना स्माइल नाउ ऐप। स्माइल नाउ ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप लोग बिना पेटीएम, बिना फ़ोनपे, बिना गूगल पे के डायरेक्ट फ्री फायर के अकाउंट में डायमंड ले सकते हो कोटा शॉप के थ्रू, और साथ में गूगल प्ले का रिडीम कोड भी ले सकते हो। बहुत ही अच्छा ऐप है, प्ले स्टोर में भी है, तो सबके सब जाओ और डाउनलोड करो स्माइल नाउ ऐप। तो टॉप अप हो गया हम लोग की दूसरी तरीका। अभी हम लोग बात करते हैं तीसरा तरीका। तो तीसरा तरीका यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपना गिल टैग, ठीक है, गिल टूर्नामेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन हम लोग का फ्राइडे का हर एक दिन गिल टूर्नामेंट होता है। इससे क्या होता है कि आपका गिल का ग्लोरी बढ़ती है। इसमें दो ट्रिक है, आपको जितना ज़्यादा ग्लोरी मिलेगा ना, आपको डॉग टैग मिलेगा ना, आपका ग्लोरी उतना हाई होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और तीसरा, बहुत बंदे क्या होता है, फ्राइडे का आपको डॉग टैग मिलता है तो आप लोग सैटरडे को एक कस्टम कार्ड क्लेम कर लेते हो। तो बस ऐसा बिल्कुल ना करना, मैं बोलूँगा आप लोग ये कस्टम का जो कार्ड है ना, यहाँ पे मेरा रिसीव्ड है, इसको आप लोग क्या करना, मंडे को, सैटरडे को आप कस्टम कार्ड मिलेगा, लेकिन आप लोग मंडे को जाके आप लोग इसको क्लेम करना, तब जाके आपको ग्लोरी थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है। सारे बड़े गिल का लोग ऐसे ही करते, तो आप लोग भी ऐसे ही करना, आप मतलब आपका गिल का ग्लोरी बढ़ने में आपको थोड़ा बहुत मदद मिल जाएगी। इसी तरीके से आप लोग तीन चीज़ें फॉलो करो, गेम प्ले, टॉप अप, साथ में अपना गिल टूर्नामेंट। ये तीनों चीज़ें जैसे आप लोग फॉलो कर लो, आपका गिल का ग्लोरी बहुत फास्ट बढ़ेगा और आप लोग का गिल भी लेवल अप होगा और आप लोग का गिल भी टॉप पे जाने का चांसेस है। तो गाइस ये तीन चीज़ फॉलो करना, अगर आप लोग के लिए कारगर होता है, ये आप लोग को ट्रिक अच्छी लगी होती तो वीडियो को लाइक भी मार देना, चैनल को सब्सक्राइब मार के पास में जो घंटा उसको दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।